आप बोल। मैंने कहा यूट्यूब में डाल दिया। आप बोल। क्या बोल? दिवाली आ रही हो ना। क्या कुछ तो बोल। क्या बोल? हमको साइलेंट कर देंगे। और फिर आप आइए, स्वागत है हमारे। ओके दे दिया। अरे यार इन्होंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया। पिंकी जी का रिकॉर्डिंग मोड पे ही रहता है। जैकेट जुकेट तो नहीं लाई मैं, पर मैं तो वही गुड दगड़ियाओं, आज मेरा परिवार ही बोल रहा है। मेरे मामा की बेटी की शादी जो रुड़की में चल रही थी आपने देखा होगा, और जिसने नहीं देखा है वो पिछले वीडियोस देख ले। हल्दी से लेकर आज विदाई तक का वीडियो मैं अपने चैनल पर शेयर कर रही हूँ। उत्तराखंड की शादी में दोस्तों जैसे अभी फेरे हो गए हैं दूल्हा दुल्हन के, तो यहाँ पे सारे रिश्तेदार गाय की पूजा भी करते हैं। गौदान होता है जो पितृ लोग इससे प्रसन्न होते हैं, ऐसा मैंने सुना है। और यहाँ पे दोस्तों दूल्हा दुल्हन को लिफाफे देते हुए मेरे सारे रिश्तेदार, ये भी एक रस्म होती है। और इसके बाद होगी प्रीति की विदाई। अपनी शादी की विदाई की बात आपसे शेयर करती हूँ दोस्तों। जिस दिन मेरी विदाई हो रही थी मुझे अकल ही नहीं थी कि क्या विदाई हो रही है, मतलब क्या ससुराल होता है, क्या मायका होता है, इसकी अक्ल ही नहीं थी। लेकिन वक्त दोस्तों सब कुछ सिखा देता है, तो मुझे भी अक्ल आ ही गई कि मायका क्या होता है, ससुराल क्या होता है। एक लड़की का दोबारा जन्म होता है उसकी शादी के बाद, ये किसी ने कहा था और बिल्कुल सत्य वचन है। शादी के बाद, विदाई के बाद सब कुछ चेंज हो जाता है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। चाहकर भी हमारा वो घर जहाँ हमने पूरा बचपन बिताया, एक माँ ने एक पिता ने कैसे अपने बच्चों को पाला होता है, क्या क्या करते हैं अपने बच्चों के लिए। दुनिया का सबसे बड़ा दिल होता है दोस्तों लड़की के माता पिता। सदियों से चली परंपरा को आज भी हम लोग ऐसे ही निभा रहे हैं और आगे निभाते रहेंगे दोस्तों। यहाँ पे जो माल पानी मिलता है ना दोस्तों, लिफाफे और पायल बिछवे, बाद में जब इनको देखते हैं ना तो बड़ा आनंद आता है। क्यों दगड़िया, बेदी खत्म हो गई दोस्तों। बेदी मतलब कि हमारे साथ फेरे जो होते हैं उसको हम बोलते हैं गढ़वाल में। और यहाँ रात को हम रुके थे थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, उसके बाद तो हम गोदराचार में थे। तो यहाँ पे हो रही है प्रीति की विदाई। हंस रहे, विदाई हो रही है, हंस रहे। ये देखो मैं प्रीति तो जरूर देखेगी। देखो हाँ, ये देखो प्रीति देखिए हंस रहे हैं ये दोनों। प्रीति मैन, हम खुश है प्रीति के लिए, प्रीति अपने घर जा रही है। प्रीति एक्साइटेड है ससुराल जाने के लिए। रो नहीं रही है प्रीति, देखेगी हाँ वो देखती है मेरे ब्लॉग। चली गई प्रीति की गाड़ी। आ रहा है अब रोना है सबको, है सबको रोना आ गया। प्रीति देखेगी इसको, लेट हो जाएगा, रो लो, रो लो, रो लो।
एक और कोटद्वार में आ गया, मेरी मूली ले जाएगी, एक और आ गई मैं मूली ले जाएगी मेरी प्रीति मूली प्रीति चिची दो या तीन दिन बाद ही प्रीति देखेगी आप। दो तीन दिन बाद ही प्रीति प्रीति की विदाई का है, ये विदाई का सीन चल रहा है, मैं याद दिला तो रो लो वो देखेगी। ये वाला भी आना चाहिए टकीला। हम तो खुश हैं भाई। हाँ, मैं भी। कुछ आंसू हंसी में होते हैं, कुछ मन के अंदर होते हैं दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।